हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th केमिस्ट्री के बारे में पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो लेसन है उसका पार्ट 12 देखेंगे। आज हम लोग अम्ल के बारे में देखेंगे कि अम्ल के बनाने के नियम कैसे है, एक प्रकार समझिए कि ट्रिक कैसा है। तो हम लोग आज एसिड के बारे में देखेंगे, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड के बारे में देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखेंगे, नाइट्रिक एसिड के बारे में देखेंगे, क्लोरिक एसिड के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, उसके फास्फोरस के पूरा एसिड देख लेंगे, सल्फर का पूरा एसिड देख लेंगे, क्लोरीन का पूरा एसिड देख लेंगे और नाइट्रोजन का पूरा एसिड आज हम लोग देख लेंगे। आज हम लोग उसका अणुसूत्र और नाम बनाने के लिए सीखेंगे और उसके बाद अगले क्लास में सबका संरचना, प्रसंस्करण और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सीखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एसिड के बारे में अगर चलें तो एक होता है सफिक्स, एसिड में अगर चलें तो एक होता है सफिक्स। सफिक्स जो है जो दो टाइप से चलता है इसमें, एक जो है जो अस एसिड, एक क्या है अस एसिड, और दूसरा जो है जो इक एसिड। सफिक्स एसिड में सफिक्स दो टाइप से चलता है, एक है इक एसिड और एक है अस एसिड। जैसे कि फास्फोरस के बारे में चलेंगे, सल्फर के बारे में चलेंगे, नाइट्रोजन के बारे में चलेंगे, क्लोरीन के बारे में चलेंगे। जैसे कि फास्फोरस है, फास्फोरस है तो जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस है तो यह क्या हो जाएगा, फास्फोरिक, इसमें क्या लग गया आप में इक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। जब इस साइड लिखेंगे तो क्या लग जाएगा, फॉस्फोरस, इसमें क्या लग जाएगा, ओ यू एस, फॉस्फोरस एसिड, ओ यू एस, फॉस्फोरस एसिड। जैसे कि अगर सल्फर में चले तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, लास्ट में क्या लग गया, इक एसिड। अगर अस में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, लास्ट में क्या हो जाएगा, अस एसिड। अगर हम लोग नाइट्रोजन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, लास्ट में क्या है, इक एसिड। अगर इस अस में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रस, नाइट्रस एसिड, लास्ट में अस एसिड। अगर क्लोरीन में चलेंगे तो क्लोरिक एसिड हो जाएगा, क्लोरिक एसिड, लास्ट में क्या आ गया, इक एसिड। अगर इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरस, क्लोरस एसिड। एकदम क्लास पूरा देखिए, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि फास्फोरस एसिड का सूत्र होता है, क्या होता है, H3PO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक का क्या होता है, H2SO4। नाइट्रिक का क्या होता है, HNO3। और क्लोरिक का क्या होता है, HClO3, HClO3। अगर आपको फॉस्फोरिक को फॉस्फोरस में बदलना है, यदि आपको फॉस्फोरिक को फॉस्फोरस में बदलना है, यानी कि इक को अगर अस में बदलना है, तो सिंपल ट्रिक याद रखिए कि एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, एक ऑक्सीजन क्या कर देंगे, निकाल देंगे। एक ऑक्सीजन जब निकाल देंगे तो इक से अस में बदल जाएगा,
एक ऑक्सीजन जब निकाल देंगे तो एक से क्या में बदल जाएगा, अस में। जैसे कि H3PO4 है, अगर एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बचेगा, H3PO3। तो ये हो गया फॉस्फोरस एसिड का सूत्र, और ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड का सूत्र। यहाँ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर अस करना है तो एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, H2SO3। तो क्या हो गया, सल्फ्यूरस एसिड। कौन एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड है, अगर एक ऑक्सीजन निकालेंगे, एक एसिड है और एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो NO2 बचेगा तो अस हो जाएगा, नाइट्रस एसिड। क्लोरिक एसिड है HClO3, तो यह क्या बदल जाएगा, क्लोरस। यानी कि एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, HClO2। ये क्या हो गया, क्लोरस एसिड। सिंपल याद रखना है कि अगर एक एसिड को अस एसिड में बदलना है तो एक ऑक्सीजन को निकाल देना है, उसके बाद आगे जो बताएंगे उसके बाद ही सबको सेट करना है। यानी कि अब अगर कोई पूछे कि इसमें एक एसिड क्या है तो इसमें अस एसिड क्यों लगा, तो एक कारण बता जान लीजिए कि H3PO4 का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 1 × 3 फास्फोरस को मान लिए x, और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, ऑक्सीजन कितना है 4, बराबर 0। तो 3 + x - 8 = 0। तो क्या हो जाएगा बोलिए, x - 5 = 0। तो x = 5 अगर इसमें निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 × 3 + 3 को मान लेंगे x प्लस -2 ऑक्सीजन का × 3 = 0। तो क्या हो जाएगा, 3 + x - 6 = 0। तो क्या हो जाएगा, x - 3 = 0। तो x = 3। तो एक बात जान लीजिए कि इसमें p का ऑक्सीकरण संख्या 5+ है और इसमें p का ऑक्सीकरण संख्या 3+ है, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है इसलिए एक एसिड, और इसमें ऑक्सीकरण संख्या कम है इसलिए अस एसिड। इसमें अगर टोटल के ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा सेंट्रल एटम के तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आएगा इसीलिए एक है, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम आएगा इसीलिए अस है। इसके बाद हम लोग अब कुछ प्रीफिक्स देखते हैं। अब हम लोग कुछ प्रीफिक्स देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स कुछ दिमाग में रखिएगा। अगर प्रीफिक्स, सबसे पहले चलते हैं हाइपो, 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 उसके बाद चलते हैं परऑक्सी, हाँ परऑक्सी या परऑक्सो या परऑक्सी या परऑक्सो भी रह सकता है या सिर्फ पर भी बोलेगा। उसके बाद चलते हैं पाइरो, पाइरो को डाई भी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मेटा, मेटा। यहां पर जो एम लिख रहे हैं, यहां पे एम का अर्थ मॉलिक्यूल है, यहां पे एम का अर्थ क्या है, मॉलिक्यूल है, अणु है। एम का अर्थ जब हम लिख रहे हैं तो वह कौन सी है, मॉलिक्यूल है। यानी कि जब मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो क्या लगाएंगे, हाइपो। जब मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो क्या लगाएंगे, हाइपो। अगर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, यदि मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या लगा सकते हैं, परऑक्सी भी लिख सकते हैं, परऑक्सो भी लिख सकते हैं, पर भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई एक का यूज आप कर सकते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल में अगर एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो परऑक्सी, परऑक्सो या पर लगा सकते हैं। यदि मॉलिक्यूल में दो से गुना करके, यानी कि दो मॉलिक्यूल को जोड़ के एक हाइड्रोजन निकालते हैं, सॉरी
एक जल निकालते हैं, दो मॉलिक्यूल को जोड़ के एक जल निकालते हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे? पाइरो। उसमें क्या लगाएंगे? पाइरो, या क्या लगाएंगे? डाई। पाइरो या क्या लगाएंगे? डाई। जब दो मॉलिक्यूल को जोड़कर एक जल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? पाइरो या डाई। और मेटा में क्या होगा कि मॉलिक्यूल में से एक जल अगर आप निकाल दिए तो क्या निकलेगा? क्या होगा? मेटा होगा। अगर मॉलिक्यूल में से एक जल निकाल दिए तो क्या होगा? मेटा होगा। ये तो पता है, ये है कि अगर एक जल निकालना है, यदि एक जल निकालना है तो कोई भी मॉलिक्यूल में से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। यदि एक जल निकालना है तो कोई भी मॉलिक्यूल में से दो हाइड्रोजन और एक जल को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तब जाकर एक H2O निकलता है। जैसे कि हम लोग फॉस्फोरस के बारे में चलते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले देखिए फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड, अब इसमें ये सब यूज करेंगे लेकिन एक ऑक्सीजन को निकाल कर, यानी कि फॉस्फोरिक को फॉस्फोरस में बदल कर ही यूज करेंगे। यानी कि जब फॉस्फोरिक एसिड से अगर एक ऑक्सीजन अगर निकालेंगे, पहले सिखाए हैं कि एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एसिड क्या बनेगा? फॉस्फोरस एसिड। यहां से एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा? H3PO3। अब यहां से जब निकालेंगे तब अपना यूज करेंगे, यानी कि जब यहां से एक ऑक्सीजन निकालेंगे, जब यहां से क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन निकालेंगे, एक ऑक्सीजन अगर निकालेंगे तो मॉलिक्यूल में से अगर एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या लगेगा? हाइपो। मॉलिक्यूल में से अगर एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या लगेगा? हाइपो। हाइपो यहां पे फॉस्फोरस निकल रहा है इसीलिए फॉस्फोरस लिख रहे हैं, फॉस्फोरस एसिड। यानी कि इसमें से एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो क्या बचेगा? H3PO2। यानी कि फॉस्फोरस एसिड में से एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो क्या लग गया? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। लेकिन यहां पे अगर एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो एक ऑक्सीजन किसमें जोड़ रहे हैं? ईक एसिड में। तो ऑक्सीजन जब जोड़ते हैं तो क्या लिखाता है? पर ऑक्सी क्यों लिखें? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन किसमें जोड़ रहे हैं? तो फॉस्फोरिक में जोड़ रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि जब इसमें एक ऑक्सीजन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? H3PO5 हो जाएगा, H3PO5। अगर यहां से अगर देखें आप, तो अगर हमको पाइरो लगाना है, क्या लगाना है? पाइरो। पाइरो कहां से निकाल रहे हैं? तो फॉस्फोरिक में से निकाल रहे हैं, तो फॉस्फोरिक ले आइए, तो पाइरो फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड। तो पाइरो जब लगाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा ऐसा दो मॉलिक्यूल को जोड़ लेंगे, एक ही किस्म के दो मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, दो मॉलिक्यूल को जोड़ लेंगे। तो कितना हो गया? छह। ये कितना हो गया? दो। ये कितना हो गया? आठ। अब दो मॉलिक्यूल को जोड़ लिए हैं और उसमें से एक जल निकाल लेंगे, तो एक जल निकालने का मतलब क्या हुआ कि दो हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा। दो हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो दो हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या आ जाएगा? फोर। और क्या बच जाएगा? P2। और एक ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या आ जाएगा? सेवन। यानी कि इसका सूत्र क्या आ जाएगा? H4P2O7।
इसमें क्या किए कि दो मॉलिक्यूल को जोड़ दिए और एक जल निकाल दिए, तो क्या बना? पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। इसको या आप डाइफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। अगर हम इसमें से इसी बात को अगर दो मॉलिक्यूल को जोड़कर एक जल निकालते हैं तो इसमें भी लगेगा पाइरो, पाइरो इसमें भी लगेगा, लेकिन कहां से निकल रहा है? फॉस्फोरस से निकल रहा है, फॉस्फोरस। एक से नहीं निकल रहा है, अस से निकल रहा है, फॉस्फोरस एसिड। यानी कि इसका दो अणु जोड़िए, H3PO3, H3PO3 जोड़िए, तो क्या हो जाएगा? 6 और 2 और 6। और अगर जल निकालेंगे तो क्या होता है? दो हाइड्रोजन निकलता था, चार बचेगा P2, और एक ऑक्सीजन निकलता था, क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो क्या हो गया इसका सूत्र? P4P2O5, H4P2O5। अब हम लोग को क्या बच गया है? मेटा वाला बच गया है। अब हम लोग को मेटा वाला बच गया है। अगर हम लोग मेटा लगाते हैं, अगर हम लोग क्या लगाते हैं? मेटा अगर लगाएंगे तो मॉलिक्यूल में से एक जल निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूल यही है, एक जल निकालिएगा तो दो हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या कितना हाइड्रोजन बचेगा? एक, और पी, एक ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बचेगा? 3। तो इसमें क्या लगेगा? मेटा फॉस्फोरिक है, फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या हो गया? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का हम लोग इतना सीख सकते हैं। आप लोग अगर सर इसको रट नहीं सकते हैं, रट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रट जाइए। लेकिन रटने से क्या होगा कि आप भूल जाइएगा, बार बार भूल जाइएगा, इसलिए इसको इस टाइप से निकालिएगा। तो आपको ये वाला जो तरीका जो है, जो आपको संरचना सूत्र लिखने में भी काम आएगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सल्फर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं सल्फर के बारे में। तो सबसे पहले सल्फर का सबसे फेमस क्या है? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड सूत्र होता है H2SO4। जब सल्फ्यूरिक में से, इक में से जब एक ऑक्सीजन निकालेंगे, जब एक में से एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो अस बनता है, वो तो शुरू में ही बताया गया है, उसके बाद ही कोई ये सब फिक्स होगा, तो आगे उसमें से निकाल लीजिए। तो एक ऑक्सीजन निकालिए तो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। तो क्या हो जाएगा? H2SO3। क्या हो गया? सल्फ्यूरस एसिड। अब एक बात दिमाग में रखिएगा कि इसमें जो है, जो आपको हाइपो नहीं बनता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर के एसिड में क्या होता है कि हाइपो नहीं बनता है, हाइपो नहीं बनता है। तो इस तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, तो क्या बनाएंगे? जब एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पर ऑक्सी लिखिए, पर ऑक्सो लिखिए, या पर लिखिए, पर ऑक्सी लिखिए, पर ऑक्सो लिखिए, या पर लिखिए। तो इसमें पर लेकर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पर सल्फ्यूरिक, क्योंकि सल्फ्यूरिक से निकल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? H2SO5, H2SO5 हो जाएगा। चलिए अभी हो गया। अगर अब चलते हैं, क्या चलते हैं इसमें? दो मॉलिक्यूल वाला में, यानी कि पाइरो वाला में चलते हैं। तो पाइरो वाला में अगर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, पाइरो वाला में चलते हैं तो क्या करते हैं? दो मॉलिक्यूल में से एक जल निकाल दीजिए। तो दो मॉलिक्यूल को जोड़िए, H2SO4 और H2SO4, तो क्या हो जाएगा? H4S2O8 में से एक जल निकालने का अर्थ क्या होता है?
दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकालेंगे, तो दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो H2 बच जाएगा और यहाँ पे S2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो O7 हो जाएगा, यानी क्या हो गया H2S2O7। तो इसमें क्या लगता है, इसमें क्या लगता है, पाइरो या डाई लगता है, पाइरो या डाई, तो इसमें डाई लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या हो गया डाई सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यहां पे से इसमें पर वाला भी जुड़ जाता है और एक डाई वाला एक्स्ट्रा इसमें चलता है, यानी कि अगर इसमें आप यहां से ऑक्सीजन जोड़े तो सिर्फ पर लगा, क्यों लगा, क्योंकि इतना नाम में आपको पर लगा, लेकिन जब यहां से ऑक्सीजन जोड़िएगा तो ये सब पूरा नाम में एक बार पर लग जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा पर डाई सल्फ्यूरिक, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें क्या करते हैं एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा H2S2O8। इसका एक नाम और याद रखिएगा ओलियम, ओडियम नाम से भी ये प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें से जब आप एक ऑक्सीजन निकालिएगा, यहां से एक ऑक्सीजन निकालिएगा तो आपको ये एक्स्ट्रा बनता है थायोनिक एसिड, एक ऑक्सीजन निकालिएगा तो क्या आएगा H2S2O6, इसका नाम क्या है थायोनिक एसिड, क्या है थायोनिक एसिड। लेकिन अगर इसमें से क्या करेंगे कि मेटा निकालने के लिए दो हाइड्रोजन और एक, मतलब कि एक जल निकालना पड़ता है, जब एक जल निकालेगा तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जाएगा तो क्या बन जाएगा SO3, तो SO3 कोई अम्ल है, SO3 कोई अम्ल नहीं है, इसलिए इसमें मेटा भी यूज नहीं होता है। तो मेटा के जगह पर एक इसमें यूज होता है कि एक ऑक्सीजन निकाल लो और एक सल्फर जोड़ दो, एक ऑक्सीजन निकाल दो और एक सल्फर जोड़ दो। सल्फर जोड़ने का मतलब हुआ कि थायो के मतलब होता है सल्फर, समझ के चलिए, यानी कि एस जोड़ रहे हैं तो थायो लगाएंगे, एस जोड़ रहे हैं तो क्या लगाएंगे थायो लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल दीजिए और एक सल्फर को जोड़ दीजिए तो S2 हो जाएगा, और निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका जो है जो सल्फर का पूरा एसिड है। अब कहिएगा सर इसमें आप हाइपो क्यों नहीं लगाए, इसमें सर आप मेटा क्यों नहीं लगाए, तो सब नेचुरल है, अगर हम लोग को प्रकृति से प्राप्त ही नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, तो जो है उसी में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हाइपो और मेटा नहीं बनता है, इस सल्फर में हाइपो और मेटा नहीं बनता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरस H2SO3, पर सल्फ्यूरिक H2SO5, डाई सल्फ्यूरिक H2S2O7, यानी कि ओलियम, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, और थायोनिक एसिड H2S2O6, और थायो सल्फोरी सल्फ्यूरिक एसिड तो H2S2O3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्लोरीन के अम्ल के बारे में, अब हम लोग क्लोरीन के एसिड के बारे में देखेंगे, तो सबसे फेमस क्या है क्लोरिक एसिड, सूत्र HClO3, इसमें भी टोटल संपन्न नहीं होता है, अगर एक ऑक्सीजन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा एक से अस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन निकालने पर तो क्या हो जाएगा HClO2 हो जाएगा, HClO2 हो जाएगा। चलिए लेकिन इसमें से एक और ऑक्सीजन निकलता है, तो जब यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा तब क्या बनेगा हाइपो, क्योंकि इक और अस शुरू में बताया हुआ है, इसके बाद ही कोई सेट करते हैं तो क्या बनेगा हाइपो, तो ये क्या हो जाएगा हाइपो क्लोरस से आया है, तो क्लोरस
क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन को निकाल देना है तो क्या बन जाएगा HClO, क्या बन जाएगा HClO। और इसमें क्या करेंगे कि एक ऑक्सीजन को अगर जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन को अगर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो एक ऑक्सीजन जोड़ने पर क्या लिखाता है परऑक्सी, पर या परऑक्सो, तो क्या करते हैं परऑक्सी करते हैं, परऑक्सी क्लोरिक से निकल रहा है इसीलिए क्लोरिक लिखते हैं, परऑक्सी क्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा HClO4। बाकी इसमें कह सकते हैं कि पाइरो और मेटा नहीं होता है, पाइरो और मेटा नहीं होता है, क्योंकि पाइरो निकालने के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए, सॉरी मेटा निकालने के लिए दो हाइड्रोजन निकालने चाहिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ही है तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। अब बढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, जब एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बनेगा नाइट्रस, नाइट्रस अस लगता है, नाइट्रस एसिड HNO2। बस इसमें केवल नाइट्रिक और नाइट्रस होता है, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं जुड़ता है, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं जुड़ता है। एक ब्रोमिक एसिड भी होता है, ब्रोमिक एसिड जैसे क्लोरिक एसिड है उसी प्रकार से ब्रोमिक एसिड भी होता है, लेकिन इसका ब्रोमस नहीं होता है, इसका ब्रोमस नहीं होता है, यानी कि HBrO2 नहीं होता है, सीधे हाइपोब्रोमस होता है, सीधे क्या होता है हाइपोब्रोमस होता है जो HBrO होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आज का एसिड क्लास पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आप लोगों को अगला क्लास में फॉस्फोरस के प्रसंस्करण और उसका अनुसूत्र और उसका ऑक्सीडेशन नंबर और उसका संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।